वी हैड पाउंड एक्सप्रेशन फॉर जूल थॉम्सन कॉफिशंट हमने सारा जूल थॉम्सन इफेक्ट स्टडी किया उसके बाद हमने जूल थॉम्सन कॉफिशंट के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था और आइडियल गैस के लिए हमने फाइनली क्या बताया था परफेक्ट गैस और आइडियल गैस के लिए ये सारी कैलकुलेशन हमने की थी इसमें मेन बात याद में रहे क्या हमें मेनली करली वी बाय करली टी एट कांस्टेंट पी इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर आइडियल गैस फॉर रियल गैस तो आइडियल गैस के लिए हम सारा एनालिसिस कर चुके हैं तो ये फाइनली हमने जब ये इस चीज को बताया एट कांस्टेंट प्रेशर हम बात कर रहे हैं तो आपको क्योंकि ये पार्ट चाहिए तो यही चीज करने के लिए आपने जब आइडियल और परफेक्ट गैस के लिए बात की तो ये फाइनली क्या निकल के आया था ये पूरी कैलकुलेशन हमने की थी म्यू फाइनली जीरो निकल के आया था मतलब कर्ली पी आपके पास नेगेटिव है बिकॉज दिस इज ड्रॉप इन प्रेशर तो टेम्परेचर में चेंज नहीं करली पी जो भी है करली टी आपके पास जीरो होगा बिकॉज म्यू इज जीरो तो आइडल गैस में कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आता इफ इट अंडरगोज जूल थॉम्सन इफेक्ट लेकिन अगर मैं रियल गैस के लिए बात करूं तो रियल गैस के लिए जो इक्वेशन है जो आइडियल गैस के लिए थी दैट इज पी वी टू आर टी रियल गैस के लिए वॉन्डर इक्वेशन हम यूज करते हैं विच इज पी प्लस ए बाई स्क्टू वी माइनस बी इक्व टू आर टी अफकोर्स ए बाय स्क्र आपके पास प्रेशर करेक्शन है और बी आपके पास वॉल्यूम करेक्शन है हाँ ये करेक्शंस बहुत छोटी होती हैं ए और बी की वैल्यूज बहुत ही कम होंगी इस ए की वैल्यू और इस बी की वैल्यू ठीक है इट विल बी वेरी स्मॉल इसमें कोई शक नहीं बट करेक्शन आपके पास हैं और रियल गैस के लिए हम स्टार्ट होते हैं फिर आपको न्यू की वैल्यू ये है इसमें करली बी व टी एट ये चाहिए और इस चीज को निकालने के लिए आप अब रियल गैस के लिए स्टार्ट हो रहे हैं जिसके लिए इक्वेशन आपके पास ये है और ये करना है तो मतलब प्रेशर आप कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं शियेट तो यहां आप डेरिवेटिव कंसिडर करेंगे जैसे आपने आइडियल गैस के लिए किया था वैसे ही आप रियल गैस के लिए करेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट पी जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं तो अगर बी की बात की जाए तो वो कॉन्स्टेंट है तो वी का डेरेवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी एट कॉन्स्टेंट पी तो ये इसका डेरेटिव होगा बी का जीरो हो चुका है ये फर्स्ट फंक्शन इंट्रो डेरिवेटिव सेकेंड फिर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो पी कांस्टेंट है तो पी का डेरिवेटिव आपके पास जीरो हो जाएगा फिर ए एज इट इज और वी स्क्र आपके पास क्या है इट्स वी माइनस टू वी रेस्ट पावर माइनस टू ठीक है तो जब आप डेरेवेटिव करेंगे तो क्या बताएगा माइनस टू पावर आगे ये माइनस टू वी रेस्ट फिर पावर में से एक कम मतलब माइनस थ्री v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट p पार्शियल डेरिवेटिव आप कंसीडर कर रहे हैं तो करली v बाय करली t एट कांस्टेंट p ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू सामने आपके पास rt है तो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 बन जाएगा और आपके पास राइट हैंड साइड में क्या रहेगा सिर्फ r रहेगा फिर अब आप क्या करते हैं ये करली v बाय करली t एट कांस्टेंट p करल वी व कर एट कॉन्स्टेंट पी ये कॉमन निकाल लेते हैं ये कॉमन बाहर आ गया ये बचा पी प्लस ए बायर ये पहली टर्म फिर ये नेगेटिव साइन आप यहां ले जा चुके हैं और ये वी माइनस बी ये आ गया आपके पास और टू ए ये टू और ये ए टू ए और वी जैसे माइनस थ्री था तो वी क्यूब नीचे आपके पास आ गया ठीक है डिनोमिनेटर में आप वी क्यूब ला चुके हैं फिर इसके बाद मुझे फाइनली चाहिए ये है भाई करली वी बाय करली टी एट कॉन्स्टेंट पी फिर हम क्या करते हैं पी प्लस ए बाय वी बायर को दोबारा इस इक्वेशन को यूज करते हैं पी प्लस ए बाय वी कर इस आर टी डिड बाई वी माइनस बी तो पी प्लस ए बाई वी कर इस आर टी डिड बाई वी माइनस बी आपने दोबारा रियल गैस इक्वेशन को यूज किया और इसकी वैल्यू को सबसे दिया क्या आर टी ओवर वी माइनस बी अगर ऐसी बात है तो कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी ये क्या बन जाएगा इट इज आर डिवाइडेड बाय ये सारा तो इसमें क्या है आर टी ओवर वी माइनस बी माइनस माइनस वी माइनस बी टू ए डिवाइडेड बाय वी क्यूब ठीक है येस इट इज क्लियर है फिर हम क्या करते हैं इसमें वी माइनस बी वन ओवर वी माइनस बी राधर हम कॉमन निकालते हैं तो यहां आरटी रह जाएगा और यहां वी माइनस बी न्यूमिनेटर टाइप में है तो ये वन ओवर वी माइनस बी कर रहे हो मतलब आप अगर वन ओवर वी माइनस बी ऐसा कर रहे हैं तो ये बाहर आ गया कॉमन ठीक है लेकिन इसके नीचे नहीं है तो यहां स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट लगा देंगे तो ये आपने फाइनली और ये वी माइनस बी ऊपर चल जाएगा ठीक है तो आर वी माइनस बी डिडेड बाई आर टी माइनस वी माइनस बी स्क्र टू ए डिड बाई वी क्यूब फिर अगर इतनी बात होगी है तो बी बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू वी तो ऐसा नहीं कि हम हर एक जगह निग्लेक्ट करके बैठ जाएंगे यहां आपके पास वी माइनस बी स्क्वे डिवाइडेड बाई वी क्यूब चाहे यहां बात कर लो आप इसको नियरली हम वी स्क्वेयर बना देंगे तो वी स्क्र डिवाइडेड बाई वी क्यूब इज वी वन बाई वी बरादर तो टू ए डिवाइडेड बाई बी इसलिए इसको टू ए डिवाइडेड बाई बी हम इसलिए लिख पाए ऐसा नहीं कि हमने b हर एक जगह निग्लेक्ट कर दिया b हमारे पास एक यहां है यहां नहीं किया आपने ठीक है ताकि एक b तो रहे आप यहां भी अगर निग्लेक्ट कर दोगे a भी निग्लेक्ट कर दोगे तो तो आपके पास ये आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी तो एक जगह a और b रहने चाहिए तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो इट्स अप्रोक्सीमेशन राधा अब हमें चाहिए टी टाइम्स कर्ली वी बाय कर्ली टी ठीक है और हमने कर्ली वी बाय कर्ली टी निकाला तो टी से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे ही हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आपके पास टी आ जाएगा और आप डिनोमिनेटर में क्या कीजिए आरटी को कॉमन कर दीजिए आरटी जैसी कॉमन आएगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां वन बनेगा माइनस टू ए डिवाइडेड बाय वी था आरटी इसके पास था नहीं तो आरटी आपके पास यहां नीचे आ जाएगा फिर ये आर टी और ये आर टी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे वी माइनस बी ये न्यूमिनेटर में है और जो डिनोमिनेटर में है वन माइनस टू ए डिवाइड बाई आर टी वी ये ऊपर जाएगा और पावर आपके पास क्या हो जाएगी दैट इज माइनस वन फिर ए आपके पास बहुत कम है तो ये वाली एंट्री बहुत कम है तो हम बायनोमल थ्योरम लगा देंगे वन प्लस एक्स टू व एन इज निलेड वन प्लस एन एक्स तो यहां आपके पास पावर कैद माइनस वन वो पावर आगे आ गया जाएगी और ये माइनस का क्या बना देगी प्लस तो v माइनस बी इंटू वन प्लस टू ए डिड बाई आर टी वी फिर हम क्या करते हैं v माइनस बी को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस बी आ जाएगा फिर v माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो v माइनस बी टू ए डिवाइडेड बाई आर टी वी फिर दोबारा वही बात कि हम एक जगह b आ चुका है तो दूसरी जगह निक्ल कर रहे हैं वी माइनस बी डिवाइडेड बाई बी ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि v माइनस बी इज नियरली v ठीक है v माइनस बी इज नियरली v तो ये v के साथ कैंसिल हो गया आपके पास क्या बचेगा दैट विल बी इक्वल टू तो ये आपके पास v माइनस बी एज इट इज और ये टू ए डिवाइडेड बाई टी ए वी आप इधर ले आए तो माइनस वी बी फिर टू ए डिवाइडेड बाय आर टी माइनस बी ये बन जाएगा आपके पास ये सारे के सारी चीज जो है वो म्यू में आती है ठीक है अगर आप जूल थॉम्सन कॉफिशन को देखें तो टी कर् बाय कर्ली टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस बी ये सारी की वैल्यू आप क्या कर चुके हो डिटर्मिन कर चुके हो और यहां सब हो जाएगा और ये सारी वैल्यू जब आप करोगे तो इज इक्वल टू वन बाय सी पी और सारा फिर ये था फिर ये टू ए डिडेब आर टी माइनस बी ये बन जाएगा तो म्यू के लिए फाइनली आप यहां आ चुके हो और म्यू आपके पास वैसे क्या है इट इज इट इज कर्ली टी बाय कर्ली पी एट कॉन्स्टेंट एच और इसकी वैल्यू इसके बराबर आ चुकी है और कर्ली पी आपके पास नेगेटिव है बिकॉज देर इज ड्रॉप इन प्रेशर ये पक्का है कि इस राइट हैंड साइड में जब आप चले थे जब आपने जूल थॉम्पसन इफेक्ट को एक बताया था तो राइट हैंड साइड में प्रेशर आपके पास पी टू दैट इज लेस देन पी वन तो देर इज ड्रॉप इन प्रेशर दैट मीन कर्ली पी इज नेगेटिव ये श्योर है ठीक है कर्ली पी आपके पास नेगेटिव है अब इसमें हमारे पास तीन केसेस आते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं कि अगर मैं कहूं कि टू ए डिवाइडेड बाई इज ग्रेटर बी ठीक है दिट इज ग्रेटर देन बी तब आपके पास क्या होगा म्यू विल बी पॉजिटिव म्यू आपके पास करली टी बाय करली बी एट कॉन्स्टेंट एच ये आपके पास पॉजिटिव निकल के आएगा एफ टू ए डिवाइडेड बाय आर टी द्रेटर दिन बी ठीक है इसका मतलब क्या निकल के आता है अगर ऐसी बात है टू ए डिवाइडेड बाय बी इज ग्रेटर देन रदर यहां भी आर बी कर दो ग्रेटर देन टी देट मींस टी इज लेस देन टू ए डिवाइडेड बाय आर बी तो अगर टी लेस देन टू ए डिवाइडेड बाई आर बी है तो म्यू आपके पास क्या है पॉजिटिव है लेकिन करली भी आपके पास क्या है दट इज नेगेटिव बिकॉज दर इज ड्रॉप इन प्रेशर अगर ऐसी बात है तो म्यू को पॉजिटिव रखने के लिए कर्ली टी को क्या होना पड़ेगा नेगेटिव होना पड़ेगा बिकॉज़ नेगेटिव ही पॉजिटिव हो पाएगा टेंपरेचर में डिक्रीज होगा तो इफ टी इज लेस देन टू ए डिवाइडेड बाय आर बी अगर ऐसे निकल के आता है देन तब क्या होगा आपके पास कर्ली टी विल बी नेगेटिव दैट मीन्स टेम्परेचर में फॉल आएगा तो इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस मतलब जब आप उसको जूल थॉम्सन इफेक्ट पूरा करवा रहे हैं और इनिशियल टेम्परेचर उसका टू ए से कम है तब आपके पास कर्ली टी के आ रहा है दैट देयर इज ड्रॉप इन हैचर प्रेशर में तो ड्रॉप है ही है इसमें कोई शक नहीं अगर मैं इसको ढंग से देखूं ये जो हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट को पहले स्टडी किया था यहां अगर टेम्परेचर ठीक है इनिशियल टेम्परेचर अगर आपके पास टू ए डिवाइडेड बाई आर बी से कम है ठीक है इफ इट इज लेस देन टू ए बाई आर बी तब आपके पास कर लीजिए नेगेटिव है इसका मतलब है जब ये गैस इस थ्रोटलिंग वॉल्व से निकलेगा पोरस प्लग से निकलेगा मतलब जूल थॉम्सन इफेक्ट होगा तो यहाँ टी टू दैट विल बी लेस देन टी वन इफ दिस टी वन इज लेस देन टू ए डिवाइडेड आर बी तो जूल थॉम्सन इफेक्ट लीड टू कूलिंग लेकिन अगर उल्टा हो जाता है इफ टू ए डिवाइड बाई आर टी लेस देन बी हो जाता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये अगर नेगेटिव होगा ठीक है तो इसमें टू ए आरबी लेस देन बी हो गया अगर ऐसी बात है तो टी ग्रिटिस हो गया कर्ली पी आपके पास नेगेटिव है ठीक है इस म्यू को नेगेटिव रखा है आपने तो कर्ली टी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में इस केस में टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज करेगा मेरा कहने का मतलब क्या है कि इफ टी इज ग्रेटर देन टू ए डिवाइडेड बाय आरबी ठीक है टी इज ग्रेटर देन टू ए डिवाइडेड बाय आरबी अगर ऐसा निकल के आता है तब यहां जब गैस निकलेगी तब तो उसका टेम्परेचर क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा देर इज राइज इन टेम्परेचर ऑल डिपेंड्स इनिशियल टेम्परेचर क्या है और अगर बराबर हो जाता है मेरा कहने का मतलब इफ इट इज इक्वल टू दिस तो ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब है इफ टी इज इक्वल टू टू आर बी ठीक है ऐसा निकल के आता है तो म्यू आपके पास जीरो हो जाएगा तो तो उस केस में में ना तो फॉल होगा ना राइज होगा तो जूल थॉम्सन इफेक्ट के बारे में आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए तो ये जूल थॉम्सन इफेक्ट हमने पहले स्टडी किया था ठीक है उसके बाद हमने जूल थॉम्सन कोफिशिएंट निकाला था उसके बाद हमने परफेक्ट गैस के लिए आइडियल गैस के लिए बात की थी और म्यू जीरो रियल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो रियल गैस के लिए हम चले तो वन वॉल इक्वेशन से स्टार्ट हुए ठीक है और ये सारी बातें होने के बाद फाइनली जो म्यू निकल के आया आपके पास वो वन बाय सी पी दिवे दिवे टी माइनस बी निकल के आया और फिर हमने केसेस कंसिडर किए फर्स्ट केस टू ए डब्ल्यू बी आर टी इज ग्रेट बी अगर ऐसा निकल के आता है तो म्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन कर्ली पी आपके पास क्या है नेगेटिव है दैट इज ड्रॉप इन प्रेशर तो कर्ली टी आपके पास नेगेटिव ही निकल के आएगा बिकॉज म्यू इज पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा टू मेक इट पॉजिटिव ठीक है और अगर आपके पास टी ग्रेट टू ए डब्ल्यू बाई आर बी है तो म्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव है ये श्योर है तो कर्ली टी को पॉजिटिव होना पड़ेगा दैट मीनस इट विल लीड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इफ टी इज टू ए डिवेलबर बी तो म्यू जीरो है ठीक है तब नो चेंज इन टेम्परेचर और इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्शन क्यों क्योंकि इससे कम टेम्परेचर है तो uh, जब जूल थॉम्सन इफेक्ट होगा लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर और इससे ज्यादा टेम्परेचर है टी आई in so, बोल देंगे हम इसको टू ए डिडेड बाई आर को तो इससे कम होना चाहिए अगर आपको टेम्परेचर में डिक्रीज करवाना मतलब कूलिंग इफेक्ट अगर करवाना है तो इनिशियल टेम्परेचर शुड बी लेस देन टू ए डिडेड बाय Rb. इसका एक एप्लीकेशन है यूज है जूल थॉम्सन इफेक्ट का ठीक है दैट इज़ लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम नाउ दिस इज यूज यूज ऑफ जूल थॉम्पसन इफेक्ट ठीक है लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम इसको रीजेनरेटिव कूलिंग भी बोलते हैं रीजेनरेटिव कूलिंग अब इसमें करते क्या है हम गैस को यहां से एंटर करवाते हैं ऑफ कोर्स कंप्रेसर से ठीक है रिलीज होती है ये गैस तो जैसे हम गैस को एंटर करवाते हैं इसमें तीन स्पाइरल्स हैं एस वन एस टू एस थ्री तो सबसे पहले ये गैस इस एस वन से आती है ठीक है और फिर एस टू में पहुंचती है और एस टू इज इसको हम एनक्लोज कर रहे हैं दादा सराउंडिंग में क्या है इसके लिक्विड हीलियम या हाइड्रोजन सॉरी uh, हम लिक्विड हीलियम तो बनाएंगे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो है वो 17 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है तो जैसे ही ये हीलियम गैस क्योंकि हम हीलियम को ही लिक्विफाई कर रहे हैं ये जो भी गैस हम यहां कंसिडर कर रहे हैं हम कर रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ हीलियम तो हीलियम को हम यहां क्या करेंगे गैस को एंटर करवाएंगे से इसका स्मूथ जो फ्लो है वो होने के बाद जब एसटू स्पायरल में पहुंचेगा यहां एसटू स्पायरल दैट इज सराउंडेड बाय लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन का जो ये वेसल है इसको वैक्यूम पंप से हमने कनेक्ट करके रखा है करेगा. मतलब इसके टेम्परेचर को 17 कैलविन मेंटेन करने की कोशिश कर रहेगा क्यों जो भी गैस आपके पास आएगी उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है वो मैटर करता है क्योंकि जूल थॉमसन इफेक्ट में इनिशियल टेम्परेचर शुड बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन और मैं आपको पहले बता दूं हीलियम के लिए जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है दैट इज 43 थ्री मतलब अगर इनिशियल टेम्परेचर हीलियम का 43 थ्री कैलविन के से ज्यादा हुआ तो ज़ूल थॉमसन इफ़ेक्ट के अंडर इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा लेकिन हम तो लिक्विफाई करना चाह रहे हैं और इस ये किस टेम्परेचर पर लिक्विफाई होती है दट इज लेस देन 5.3 पॉइंट कैल्बिन इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दट इज लेस देन दैट इज फाइव पॉइंट ये दो चीजें आप दिमाग में बिठाइए पहले क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ पॉइंट 43 कैलविन है और टेम्परेचर मतलब तो कभी थ्री कैलविन नहीं हो सकती जितना मर्जी प्रेशर आप अप्लाई कर ले और 43 थ्री से ऊपर हुआ तो जूल थॉम्सन इफेक्ट के अंडर जब हम बात करेंगे तो ये कभी भी टेम्परेचर में डिक्रीज नहीं हो पाएगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको 43 थ्री से कम पर लेके आते हैं ठीक है और वो किस तरीके से जब ये स्पायरल S2 के पास से गुजरेगा तो उसमें लिक्विड हीलियम है, विच इज एट 17 कैलविन ठीक है तो इसका टेम्परेचर 43 थ्री कैल्विन से कम हो जाएगा और ये जैसे ही स्पायरल S3 से गुजर के यहां आएगा तो यहां हमने पोरस प्लग लगा रखा है मतलब यहां क्या होगा जूल थॉम्सन इफेक्ट होगा ठीक है और जब ये यह यहां से गैस बाहर निकलेगी तो इसका टेम्परेचर फर्दर लोअर होगा हो सकता है कि ये 5.3 पॉइंट कैलविन ना बने लेकिन कम जरूर होगा अगर कम हो जाता है तो दोबारा ये कंप्रेसर में ले जाएंगे हम इसे और कंप्रेसर से दोबारा इसको सर्कुलेट करवाएंगे ठीक है और दोबारा ये इस प्रोसेस से होते हुए यहां से गुजरेगा तो रीजनरेट के रीजनरेटिव उस सेंस में हुआ यहां फिर उसका फर्दर फॉल इन टेम्परेचर होगा और जब इसका टेम्परेचर नियरली फोर कैलविन हो जाता है फाइव पॉइंट थ्री से कम हो जाता है तो इसकी लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो लिक्विफाई हो जाएगा तो लिक्विड ये नीचे आ जाएगा अभी भी अगर गैशियस फॉर्म में है तो दोबारा आप सर्कुलेट करवाएंगे ठीक है ये सारा प्रोसीजर दोबारा होगा तो इट्स इट्स रीजनरेटिव कूलिंग ठीक है इस प्रोसेस में हम कर क्या रहे हैं यहां जूल थॉम्सन इफेक्ट ही करवा रहे हैं और इसमें हमने केयर रखी है द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फोर्टी थ्री कैल्विन मतलब यहां से जब गैस गुजरेगी तो उससे पहले टेम्परेचर का क्या हो जाना चाहिए लेस देन फोर्टी थ्री कैल्विन और हमने सत्रह कैलविन के आसपास बात करनी शुरू कर दी है सेवनटीन कैल्विन के आसपास तो इसमें श्योरिटी ले रहे हैं क्या कि जब ये इस पोरस प्लग से बाहर निकलेगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा वो फॉल करेगा अगर वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है तभी लिक्विफिकेशन पॉसिबल है और क्रिटिकल टेम्परेचर 5.3 पॉइंट है तो जब तक 5.3 पॉइंट से कम टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक लिक्विफिकेशन नहीं हो पाएगी तो ये आप बार बार इसको इस जूल थम्स इफेक्ट को करवाओगे यहां ठीक है बार बार इसको सर्कुलेट करवाओगे और इसका टेम्परेचर जब लिक्विफिकेशन वाले टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो ये लिक्विड हीलियम यहां हमें मिल जाएगा तो हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट को यूज किया और लिक्विफाई किया किसको हीलियम को एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप रीजनरेटिव कूलिंग को बताएं जूल थॉम्सन इफेक्ट को बताएं ये आपके दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए तो जो भी इफेक्ट है वो यहां हो रहा है लास्ट में ठीक है उस लेकिन उस सारे को करने के लिए आप ये पूरा ठीक है इक्विपमेंट बनाए हैं और साथ साथ में ये सारा एनक्लोज्ड है बाय दीवार वेसल इंसुलेशन के लिए ठीक है ऐसा ना हो कि बाहर से हीट आ जाए और इस गैस को जो इसका टेम्परेचर हम फॉल करवा चुके हैं उसी को टेम्परेचर को इंक्रीज करके फिर आगे ये बढ़ जाए तो यहां आपको प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए पूरे इस इंस्ट्रूमेंट में पूरे इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप ये चीज करेंगे एंड दैट इज विद दीवार वेसल तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अब मैंने ये सारा आपको बता दिया रिगार्डिंग जूल थॉम्स इफेक्ट एंड रीजनरेटिव कूलिंग अभी के लिए इतना फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं